नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखिए, मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो बना दी है, अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने एनालिसिस करके बता दिया है कि बैंक निफ्टी जो है मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो चलिए फाइनली अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो अब यहां पर देखिए, निफ्टी ने जो यहां पर जो कैंडल बनाई है, ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि यह 14,250 के आसपास एक हर्डल था और इस हर्डल के पास जाकर निफ्टी ने जो है 2 से 3 दिन यहां पर स्पेंड किया और फाइनली देखिए यहां पर जो ब्रेकआउट आया, एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। बट देखिए, अब ब्रेकआउट के बाद अब हमारे पास एक अगला हर्डल क्या आ चुका है, ये चैनल। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये मैंने तारीख है 11 नवंबर, 11 नवंबर से पकड़कर मैंने एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ट्रेंड लाइन ये बिल्कुल एक्यूरेट इसी आज जो अपनी मूव हुई है इसके आसपास ही आ रही है, जो इसका हाई लगा हुआ है। अब मे भी देखिए यहां पर निफ्टी जो है कंटिन्यू हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चलता जा रहा है ऊपर। अब देखिए, अब इसको जो है रोकने की कोशिश करेगा ये जो ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो समझ लीजिए यहां पर एक बूम होने वाला है, यहां पर एक जबरदस्त मूव होने वाली निफ्टी में। निफ्टी में भी देखिए 15,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो। अब फाइनली देखिए, ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ये जो है इसका जो हर्डल आ रहा है वो आ रहा है 14,400 के आसपास, और जो नीचे का ट्रेंड लाइन है ये मैंने आपके सामने देखिए, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए, मैंने यहां से एक लोअर लो पकड़ा है, लोअर हायर लो पकड़ा है और इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मे भी देखिए क्या हो सकता है, यहां पर कोई डोजी कैंडल बनाने के बाद मे भी शायद इसको नीचे के लिए टेस्ट करने के लिए आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट देखिए, जितना भी हम प्रॉफिट बुकिंग कह लें, निफ्टी तो कंटिन्यू हायर हाई लगाते ही जा रहा है। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और हमने तो इंट्राडे ट्रेड करना है, सो इंट्राडे ट्रेड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहां पर मूव हो सकती है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता तब तक फिलहाल अभी मंडे के सेशन में बाइंग नहीं करनी है हमने। इंट्राडे में अगर कोई सेटअप बनेगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर लूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए, यहां जो 15 मिनट के चार्ट में हम आ गए हैं, अब देखिए यहां पर जो मंडे को क्या सॉरी फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, यहां पर एक देखिए गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद जैसे ही इसने अपना हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक करने के बाद तो निफ्टी रुका ही नहीं और कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलते चला गया। तो यहां पर देखिए, हमारे पास एक हर्डल यहां पर था, एक हर्डल ये था और एक देखिए अब ये दो डबल टॉप पैटर्न यहां पर बना हुआ था। तो मे भी यहां पर ऐसा ख्याल था कि देखिए अगर ये 15 मिनट का लो ब्रेक करता तो हम यहां पर प्रॉपर सेल के लिए जाते। देखिए, निफ्टी में हमने 5 से 6 ट्रेड बनाए थे और 6 के 6 ट्रेड जो है काफी अच्छे प्रॉफिट वहां पर हमको देखे गए थे। कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं था जिसने 1:3 से कम प्रॉफिट दिया हो। फाइनली यहां पर देखिए, कंटिन्यू जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहां पर हमने जो है 14,250 की कॉल बाय करी। इसके बाद देखिए यहां पर जाकर कंटिन्यू ये सस्टेन करने लग गया था। मे भी यहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से अभी नीचे की तरफ आए, बट यहां से नीचे की तरफ आने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अब देखिए जो रजिस्टेंस होता है वो आगे जाके सपोर्ट बन जाता है। सो ये जो रजिस्टेंस था ये आगे जाके सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद फाइनली जब हैमर कैंडल बनी और ब्रेकआउट हुआ, यहां पर अगेन हमने 14,300 की कॉल यहां पर बाय करी थी और इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए, हमको क्या करना है मंडे के सेशन में, हम किस तरह से हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मंडे के सेशन में हमारे लिए अभी ट्रेंड लाइन हमने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, और यहां से अगर हम ट्रेंड लाइन एक यहां से ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम एक यहां से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अब मे भी देखिए अगर कल को मंडे के सेशन में यहां से अगर नीचे की तरफ निकलता है, अब मान लीजिए यहां से अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमको कहीं इसके आसपास मिलता है, देखिए ये एक परफेक्ट लेवल होगा बाइंग करने के लिए। अब मैं बताता हूं क्यों। देखिए पहले मैं इसको ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। यहां देखिए अभी जो क्लोजिंग आई है 14,343 की आई है। अब मे भी मान लीजिए कोई न्यूज आ जाती है और यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो गैप डाउन ओपनिंग में अपने को सबसे अच्छा सिनेरियो ये रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं क्यों अच्छा सिनेरियो रहेगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो पिछला रजिस्टेंस था वो हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, प्लस यहां पर ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास मल्टी सपोर्ट है, यहां पर हमारे पास 2 सपोर्ट है, सो इसको मल्टी सपोर्ट कह सकते हैं। ये हमारे लिए एक जबरदस्त मौका होगा यहां पर बाइंग करने के लिए। सो ये लेवल ध्यान रखिएगा, 14,250 के आसपास अगर कहीं आपको मिलता है तो आप यहां पर में बाइंग बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वहां पर आपने जो कम से कम प्राइस एक्शन का वेट करना है, और प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद देखिए अगर ऊपर की तरफ निकलता है तब आपने बाइंग के लिए जाना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी अब हमारे पास ऊपर कोई रेजिस्टेंस अभी है नहीं, क्योंकि देखिए निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ऊपर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं जिससे हम रेजिस्टेंस फेस करें। अब हमारे पास देखिए सिर्फ एक फिबोनाची लेवल होता है जिससे हम अपना जब निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स जब लाइफ टाइम हाई पे होता है तो वहां पर हम जो अपने लेवल जो निकालते हैं वो
देखिए फिबोनाची लेवल से निकालते हैं। तो फाइनली मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आपको जो है वेट करना है, और यहां पर 14,250 के आसपास मिलता है। तो देखिए एक ट्रेड करिए, दो ट्रेड करिए, बट परफेक्ट ट्रेड करिए। ऐसा नहीं है कि हमने 10 ट्रेड करना है, 20 ट्रेड करना है। देखिए मैं तो करता हूं, मैं तो 5 ट्रेड करता हूं, 10 भी करता हूं, 15 भी कर लेता हूं, बट मैं ट्रेड जो है हमारे ट्रेड की पोजिशन साइजिंग देख के करता हूं। मैं वहां पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके करता हूं, मैं मनी मैनेजमेंट फॉलो करके करता हूं, मैं सारी चीजों का ध्यान रखता हूं, मैं अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन बिल्कुल ब्रेक नहीं करता हूं। सो अगर आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं तो आप भी 5 से 7 ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, कोई इशू नहीं है, बट परफेक्ट ट्रेड करिए। यहां पर एक परफेक्ट ट्रेड हमको मिलेगा 14,250 के आसपास। तो चलिए अब चलते हैं निफ्टी के स्टॉक्स में, जो निफ्टी में स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर हमारे पास जो पहला स्टॉक है, ये पहला स्टॉक हमारे पास अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट देखिए मैंने आपको ब्रेकआउट स्टॉक में यहां पर दिया था 480 रुपए के ऊपर, और यहां पर टारगेट देखिए यहां पर 500 टारगेट अचीव हो गया हमारा। 525 का मैंने टारगेट दिया था, फाइनली टारगेट 525 का था, तो ये टारगेट अब अचीव हो चुका है। फाइनली देखिए यहां पर जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। सो यहां पर अभी बाइंग के लिए मत देखिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। अब ये एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट कंटिन्यू देखिए छोटे 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 कैंडल बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर की तरफ चले जा रहा है। अब देखिए हम यहां पर बीच में कहीं बाइंग कर नहीं सकते हैं, बाइंग हमको कहां पर करनी है मैं आपको लेवल बता देता हूं। देखिए हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए अभी देखें तो हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये कहीं, लेकिन अगर आपको देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखे तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ध्यान देखिएगा मैं आपको लेवल बता देता हूं, लेवल ये है अगर 2750 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मे भी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी देखिए मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि असेंडिंग चैनल का जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एक जबरदस्त मूव मिलती है। और फाइनली देखिए यहां पर असेंडिंग चैनल के ब्रेकआउट पे मैंने यहां पर आपको ये एशियन पेंट भी बाइंग के लिए दिया था, अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाकर देखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैंने जो भी टेलीग्राम चैनल में जो चार्ट अपडेट करने थे वो चार्ट मैंने अपडेट कर दिए हैं, जो मैंने पिछले वीक या दिसंबर महीने में जो भी चार्ट मैंने दिए थे आप लोगों को बाइंग के लिए कि ब्रेकआउट स्टॉक्स जो भी थे उन सबके मैंने चार्ट अपडेट कर दिए हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, एक बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी कैंडल बनने के बाद यहां पर एक इनसाइड कैंडल बनी थी। तो इस तरह की कैंडल जब ब्रेक होती है तो एक बहुत अच्छा यहां पर मूव होता है। और फाइनली यहां पर भी अगर हम देखेंगे 7 जनवरी की कैंडल और 8 जनवरी की कैंडल, यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर हाई हमको यहां पर सेम ही लग रहा है। अभी 680 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर जो है बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो देखिए अगेन यहां पर एक बूम करने वाला है, बजाज ऑटो को ध्यान में रखिएगा। 2530 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आप यहां पर इंट्राडे में भी ट्रेड बना सकते हैं। 3530 के ऊपर निकलेगा तो इंट्राडे में ट्रेड बनाइए, यहां पर टारगेट होगा 3560 और 3590 का। पोजिशनल ट्रेडर्स भी चाहें तो यहां पर जो है कुछ दिनों के लिए एंट्री यहां पर बना सकते हैं। वैसे फिलहाल हमारी एंट्री यहां पर चल रही है कंटिन्यू, हमने यहां पर बाइंग करके रखा हुआ है 3150 के लेवल पर, और अभी हमने यहां पर 50% प्रॉफिट बुक किया, 50% हमने होल्ड करके रखा हुआ है, 3800 हमारा नेक्स्ट टारगेट है। चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस को देखिए हम यहां पर पैटर्न इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखिए एक रेजिस्टेंस था इसका, और ये रेजिस्टेंस फाइनली देखिए यहां पर सपोर्ट बन गया है। अब यहां पर सपोर्ट लेकर मे भी यहां से बाउंस बैक कर सकता है, तो मंडे के सेशन में ध्यान रखिएगा अगर ये 3340 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहां पर जो रहेगा वो 5130 का लेवल, 5150 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर बाइंग करिए, टारगेट हमारा यहां पर 5200 और 5250 रुपए रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बजाज फिंसर। बजाज फिंसर भी देखिए फाइनली ये एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल से फाइनली यहां पर बाउंस बैक हो चुका है। ये सारे लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए थे, शायद कोई इशू यहां पर डिलीट हो चुके हैं, कोई टेक्निकल इशू है। देखिए ये सारे लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए थे, तो यहां पर देखिए फाइनली अगर हम यहां पर एक ध्यान देंगे तो यहां पर फाइनली देखिए ट्रेंड लाइन आ रही थी और ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट इसने दे दिया था। और फाइनली अब देखिए जो है यहां पर बाइंग करना चाहते हैं तो यहां बाइंग कर सकते हैं इंट्राडे में। यहां पर देखिए अगर 9180 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर आप जो है 9300 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बीपीसीएल। तो बीपीसीएल यहां पर देखिए मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो फाइनली देखिए अब बिल्कुल ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास है, मीन्स ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, बट यहां पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम पिछले दिनों की अपेक्षा यहां पर ठीक ठाक लगा हुआ है। सो यहां पर अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 403 रुपए के ऊपर लेवल याद रखिएगा, 403 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर इंट्राडे में बाइंग बना सकते हैं। भारतीय एयरटेल को देखिए मैंने यहां पर दिया था 510 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए। सो 510 रुपए के ऊपर टारगेट हमारा देखिए यहां पर जो टारगेट था 550 के आसपास का था, 550 का टारगेट ऑलमोस्ट यहां पर अचीव हो चुका है। अब यहां पर इंट्राडे में अगर आपको बाइंग करनी है तो 551 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाइंग कर सकते हैं। 556 रुपए और 562 रुपए यहां पर हमारा अगला टारगेट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा ब्रिटानिया है। तो ब्रिटानिया में अभी कुछ नहीं करना है, ब्रिटानिया में मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा देखिए सिप्ला। तो सिप्ला को भी यहां पर अगर ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने
टेलीग्राम चैनल में, इसको भी मैंने बाइंग के लिए दिया था 815 रुपए के ऊपर, और फाइनली यहाँ पर देखिए अभी कितना आ चुका है 800। यहाँ पर टारगेट हमारा 900 रुपए है, बट यहाँ पर देखिए अगर आप इंट्राडे में बाइंग करना चाहते हैं तो इसको एक बार 850 रुपए के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर आप इंट्राडे में यहाँ पर बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया, तो कोल इंडिया भी देखिए अब इसने जो है कंटिन्यू यहां से सपोर्ट लेकर निकलना चालू कर दिया है। अब मैं यहां पर एक लेवल ड्रॉ करता हूं, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 140 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर हमारा जो है अगला टारगेट होगा वो 145 और अगला 150 का होगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारा डिविस लैब, तो डिविस लैब के लिए देखिए एक ट्रेंड लाइन यहां पर जो है कंटिन्यू उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चले जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर डिविस लैब भी आपने बाइंग बनानी है तो 3915 रुपए के ऊपर यहां पर आप बाइंग बना सकते हैं, टारगेट यहां पर 4200 और 4300 का है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा डॉक्टर रेड्डी, तो डॉक्टर रेडी में नजर बनाकर रखिएगा। डॉक्टर रेडी देखिए काफी दिनों से जो है एक ही रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। अब यहां पर देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका, मैं रेजिस्टेंस लेवल यहां पर प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका नियर अबाउट 5350 के आसपास। 5350 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव होने वाली है, नजर बनाकर रखिएगा। डॉक्टर रेड्डी में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहां नजर बनाकर रखिए 5350 की क्लोजिंग के ऊपर। यहां पर टारगेट हमारा 5500, 5800 और 6000 है यहां पर। नेक्स्ट टारगेट हम नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईशेयर, तो आईशेयर ने फाइनली यहां पर देखिए ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहां पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी ब्रेकआउट वाली भी मैंने वीडियो बनानी है, तो ब्रेकआउट जो जो स्टॉक्स जिन स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट बिल्कुल दिया है, और जिसमें अभी अच्छी मूव हो सकती है, वो सारी वीडियो सारी जो मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट रहेगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। देखिए मैं पर्सनल वॉच लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कंटिन्यू, सो मेरे को यहां पर कुछ इश्यू आ रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रहे हैं, कुछ बड़े यूट्यूबर कुछ बड़े टेलीग्राम वाले मुझे कुछ बस मैं आप लोगों को चलिए वो चीज मैं बाद में शेयर करूंगा, उनका कहना है कि आप रिटेलर के साथ ये सब शेयर मत करिए क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है चलिए हमारा गेल, गेल को देखिए हमारी 88 पर हमने यहां पर बाइंग बना के रखी थी, अब 88 का लेवल मैं आपको दिखाता हूं, 88 यहां पर है कहीं, और हमने अपने जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी मैंने 88 पर यहां पर जो है बाइंग कराकर रखी हुई है। अब फाइनली देखिए 88 से लेकर स्टॉक कहां पहुंच चुका है 136, तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर हमने जो है 50% यहां पर प्रॉफिट अपना जो है बुक कर लिया, 50% क्वांटिटी हमारी यहां पर चल रही है। अगर आप देखिए 136 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर हमारा टारगेट अगला 140 रुपए रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम, तो ग्रासिम आपको याद होगा अगर आपने टेलीग्राम चैनल में देखा होगा मैंने कुछ दिन पहले मे बी शायद 4 से 5 दिन पहले मैंने आपको ग्रासिम दिया था, और ये देखिए इस लेवल पर दिया था जहां पर ये हैमर कैंडल बनी है, बड़ी हैमर कैंडल ये वाली कैंडल देखिए 30 दिसंबर की कैंडल, मैंने इस तरह से चार्ट बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था। सो आप अगर यहां पर एंट्री बनाना चाहें तो एंट्री आप जो है 940 रुपए की एंट्री ऊपर एंट्री बना सकते हैं, तो आप देखिए 940 रुपए से स्टॉक जो है 1024 रुपए चलेगा, कितने दिनों में, मोर देन 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन में जो है इसने ये मूव दे दी है। सो देखिए अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं करते हैं टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए, वहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं इंट्राडे की कॉल्स देते रहता हूं, चार्ट पोस्ट करता हूं, और वीकेंड में आप लोगों के लिए मैं स्पेशल चार्ट पोस्ट करता हूं जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक, तो मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है, बैंकिंग की वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां पर मैंने सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करके आपको बता दिया है। अब यहां पर देखिए एचडीएफसी लाइफ, यहां पर एचडीएफसी लाइफ को मैंने यहां पर बाइंग के लिए दिया था 675 रुपए पर, और फाइनली देखिए यहां पर जो हाई लग गया यहां पर 723 का लग गया है, मैंने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी है। सो यहां पर अभी नवी पोजीशन जो बनानी है वो 725 रुपए के ऊपर निकलता है, तो यहां पर 750 और 800 रुपए के टारगेट के लिए नवी पोजीशन बना सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प नवा ब्रेकआउट, यहां पर ध्यान दीजिए हीरो मोटोकॉर्प में देखिए एक यहां पर न्यू ब्रेकआउट हुआ है, सो यहां पर ध्यान जो है नजर बनाकर रखिएगा। मैं यहां पर एक लेवल इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा एक लेवल है, ये लेवल देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। अब इस लेवल के ऊपर अगर मैं एक ऊपर से भी यहां पर देखिए मेरे पास यहां पर दो ट्रेंड लाइन है, मैं इस एक ट्रेंड लाइन को मैंने यहां से भी ड्रॉ कर दिया है, तो यहां पे भी आप देखेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट आ चुका है। सो देखिए मैंने आपको यहां पर दो स्टॉक भी बता दिए, आईशर मोटर में ब्रेकआउट आ चुका है और हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकआउट आ चुका है। अब इसमें एंट्री किस तरह से करनी होती है देखिए उसकी टेक्निक होती है, जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको हम वो टेक्निक सिखाते हैं कि किस तरह से आपको पोजीशन में एंट्री करनी है, किस तरह से आपको इंट्राडे में एंट्री करनी होती है। सो वो मेरी पर्सनल डेवलप की हुई स्ट्रेटजीज हैं, वो सारी चीजें जो एक्सपीरियंस से मैंने बनाई हुई हैं वो सारी चीजें हम यूज करते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में और पोजिशनल ट्रेडिंग में। सो आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हीरो मोटोकॉर्प में फाइनली देखिए एक ब्रेकआउट यहां पर आया है और काफी एक अच्छी कैंडल बनी है। अब यहां पर नजर बनाकर रखिएगा 3170 रुपए का लेवल क्रॉस करता है तो इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हैं, टारगेट यहां पर 3220 रुपए का रहने वाला है, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए यहां पर टारगेट हमारा जो है ये 3500 रुपीज का है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी,
तो एचडीएफसी को देखिए, मैंने आपको फाइनली कहां से मैंने यहां पर बाइंग के लिए दिया था, उस कुछ 50 के आसपास का लेवल था, 1950 के आसपास। अब देखिए 1950 से निकल करके कहां तक आ चुका है, 2700 तक। देखिए यही कारण है जो कि मेरे को यूट्यूबर और जो है बड़े यूट्यूबर जो है और जो बड़े टेलीग्राम वाले हैं जिनका ज्यादा सब्सक्राइबर है, वो मेरे को कुछ वार्निंग दे रहे हैं, कुछ इस तरह से ईमेल वगैरह भेज रहे हैं कि आप जो है अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट शेयर मत करिए, क्योंकि देखिए वो पैसे लेते हैं, वो 10,000 20,000 पर मंथ लेते हैं, फिर लोगों को इस तरह के स्टॉक्स बताते हैं कि अब जो है आपको बड़ी रिटर्न चाहिए तो कम टाइम में बड़ी रिटर्न चाहिए, तो आप जो है हमको पैसे दीजिए, हम आपको जो है बताएंगे स्टॉक्स। सो ये सारे स्टॉक्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री में बता दे रहा हूं, वो भी विद चार्ट विद प्रूफ मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं, फ्री में सब कुछ देता हूं, ठीक है ना। सो इसलिए उन लोगों को थोड़ी मुझसे प्रॉब्लम है कि मतलब मैं ये सब चार्ट शेयर ना करूं। अब देखिए 1900 रुपए की चीज 2700 रुपए हो गई, कितने दिनों में हो गई, अब ये देखिए ये 2 से 3 2 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर अगर आपको मान लीजिए 50% 40% 50% रिटर्न किसी स्टॉक में मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए। सो यही एक कारण है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। चलिए हम अगर नेक्स्ट स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंफोसिस। तो इंफोसिस को देखिए मैंने यहां पर बाइंग करने के लिए दिया था आपको 1190 पर, टेलीग्राम चैनल में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो 1190 से देखिए स्टॉक कहां पर आ चुका है, 1320 रुपए के आसपास। अब इंट्राडे में देखिए क्या करना है, 1320 रुपए के ऊपर निकलता है आप यहां पर 1330 1340 और 1350 रुपए के लिए एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में यहां पर दिया था, ये लेवल था देखिए 300 रुपए के ऊपर निकलता है, तो जाके टेलीग्राम एक बार जाकर चेक जरूर करिए कि मैंने दिया भी है कि नहीं दिया, कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं, ठीक है ना। एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जाकर वहां पर चेक करिए, आपको सारी चीजें खुद ब खुद विद प्रूफ वहां पर पता चल जाएंगी। 300 रुपए के ऊपर मैंने बाइंग करने के लिए दिया था, सो फाइनली यहां पर देखिए 412 का हाई जो है लग चुका है यहां पर। अब देखिए यहां पर क्या करना है, अब यहां पर अगर आप पोजिशनल वाले हैं और नवी एंट्री बनाना चाहते हैं तो एक बार थोड़ा यहां पर रुक जाइए, यहां पर रीटेस्ट होने दीजिए। देखिए एक ये ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए जब आएगा तो बाउंस बैक करेगा। अभी एक बार यहां पर आया है, यहां पर बाउंस बैक किया है, अगेन दूसरी बार जब देखिए जब यहां पर आएगा तो हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा बाइंग करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास मल्टी सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बनेगा। सो यहां से बाउंस बैक करेगा तो यहां पर अगर आप वेट कर लीजिए 375 के आसपास मिलता है तो यहां पर आप नई पोजीशन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एलटी। एलटी को देखिए आप ध्यान देंगे तो मैंने एलटी को मैंने आपको इस लेवल के आसपास बाइंग करने के लिए दिया था 1020 के लेवल पर, जाके टेलीग्राम चैनल में चेक करिएगा 1020 लेवल की 1020 के आसपास मैंने आपको यहां पर बाइंग के लिए दिया था। अब देखिए 1020 से स्टॉक चले गया 1400 रुपए, 40% की आपको रिटर्न मिल गई, ठीक है ना। तो ये रिटर्न कम नहीं होती है, बहुत रिटर्न होती है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो 8-9 साल के बाद जाके आपको 100% मिलता है। यहां पर आपको 2 महीनों में 30% मिल गया, अगर 6 महीने आप रखें तो समझ लीजिए 3 से 4 महीने में, अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपको पैसा डबल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपकी एनालिसिस अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। अब 1380 रुपए के ऊपर निकलता है यहां पर इंट्राडे में, तो आप यहां पर बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। तो मारुति ने फाइनल यहां पर देखिए ब्रेकआउट दे दिया है। देखिए ग्रासिम मैंने आपको ग्रासिम बता दिया, आईशर मोटर बता दिया और नेक्स्ट है मारुति। तो मारुति में आप यहां पर एंट्री बना सकते हैं 8025 रुपए के ऊपर। 8025 रुपए के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट हमारा यहां पर जो है 8200 और 8300 का है। पोजिशनल वालों के लिए अगर यहां पर एंट्री बनाना चाहें तो रुक जाएं थोड़ा सा यहां पर, एक थोड़ा सा देखिए हमको क्या करना होता है, हमको मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, ठीक है, वो उस चीज से मैं एग्री हूं। देखिए अपने स्टार्टिंग टाइम में मैं भी ऐसे ही था, आज से 7-8 साल पहले मैं भी ऐसे ही था कि बहुत जल्दी पैसा कमाना है, बट यहां पर बाद में चीजें पता चलती है, जब आपके नॉलेज आपके पास जब नॉलेज आ जाएगी तो आप कमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए अब यहां पर एंट्री ले लेंगे जाकर 8025 8030 के लेवल पर तो यहां फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। सो यहां पर एक बार रिटेस्ट होने दीजिए, 1840 1850 के आसपास आने दीजिए। सो यहां पर एंट्री करिएगा पोजिशनल वाले, और इंटरडे ट्रेडर जो है आप यहां पर जब हाई निकलता है तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं, कम से कम 100 पॉइंट्स का टारगेट है यहां पर। नेक्स्ट स्टॉक हमारा नेस्ले है। तो नेस्ले देखिए अभी कंटिन्यू एक असेंडिंग चैनल में चल रहा है, असेंडिंग चैनल फाइनली नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ है। अब इसके लिए जो नीचे का जो सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है, ठीक है। अब इस सपोर्ट के आसपास आप ध्यान से देखिए यहां से एक बाउंस बैक हुआ है। बाउंस बैक क्या हुआ, यहां पर हैमर कैंडल बनी है। अब अगर इंट्राडे में यहां पर अपना आज का हाई क्रॉस करता है तो यहां पर हमारा टारगेट जो है 18600 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड ने भी देखिए यहां पर जो है ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये जो ब्रेकआउट दिया था ये मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को मैंने यहीं पर बाइंग कराया हुआ है, 195 पर बाइंग कराया हुआ है। बट यहां पर आप अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहां पर होल्ड करिए। इंट्राडे में अगर ये 204 को निकालता है तो यहां पर 206 207 के टारगेट के लिए यहां पर एंट्री ले सकते हैं।
रिलायंस रिलायंस काफी दिनों से देखिए यहाँ पर फंसा हुआ है। मे बी यहाँ पर कुछ इश्यू चल रहे हैं रिलायंस के साथ। पीछे सेबी ने यहाँ पर रिलायंस पर और रिलायंस अपना अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों पर फाइन लगाया था। सेकंड यहाँ पर पंजाब में कुछ इश्यू चल रहे हैं इनके, सो यहाँ पर रिलायंस अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ, जब तक ये पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक यहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना है। बट यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में खेलना चाहते हैं या आप रिस्की ट्रेड रहे हैं तो आप जो है 1950 रुपए के ऊपर जो है यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1890 रुपए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI लाइफ। तो SBI लाइफ की देखिए बाइंग जो है हमारी वो बाइंग है ये लेवल की, ये देखिए इसके आसपास कहीं हमारी बाइंग है। एक मिनट रुकिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं। सो यहां पर बाइंग है, अब देखिए 825 के आसपास बाइंग है और 825 का स्टॉक 955 रुपये चले गया। और कितने दिनों में चले गया? विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आपको इतना टारगेट मिलता है तो बहुत होता है। इतना टारगेट तो अगर कोई नहीं देने वाला, चलिए छोड़िए, नॉलेज ही आपको टारगेट दे सकती है, नॉलेज ही आपको बड़ा पैसा दे सकती है। चलिए यहां पर अगर आप इंट्राडे में बाइंग करना है तो यहां पर 936 रुपए के ऊपर निकलता है, तो यहां पर 950 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर। तो टाटा मोटर भी देखिए यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट में देखिए एक बड़ी कैंडल यहां पर ग्रीन कैंडल बनाई थी, उसके बाद कंटिन्यू यहां पर डोजी टाइप की कैंडल बना रहा है। सो यहां पर अभी इसमें मेरा कोई व्यू नहीं है, इसमें ना कोई बाइंग का व्यू है ना कोई सेलिंग का व्यू है। मे बी जब ये 188 के लेवल पर आएगा तो पोजिशनल ट्रेडर यहां पर आप छोटी एंट्री के साथ यहां पर बाइंग कर सकते हैं। टाइटन 1208 रुपए से चल रहा है टाइटन हमारा। ये देखिए ये जो रेड कलर की सॉरी ब्लैक कलर की मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां से हमारी एंट्री है 1204 से। तो 1208 रुपए से है, 1208 रुपए से स्टॉक देख लिए 1600 रुपए 1621 रुपए चले गया है। तो ये एक बड़ा टारगेट होता है, कुछ ही टाइम में इतना बड़ा टारगेट अचीव करना एक अच्छा, मतलब समझ लीजिए समझ सकते हैं अच्छा सिनेरियो होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, चलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करके मैं इसको ब्लू कर देता हूं और इसको मैं डार्क कर देता हूं। अब देखिए अब जब तक हम इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम यहां पर बुलिश हैं। मे बी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और नीचे की तरफ आता है, अगर हम लेवल ब्रेक करते हैं 1450 का, तो यहां पर हम सेल के लिए जाएंगे। अदरवाइज ये एक फुल बुलिश स्टॉक है, यहां पर अभी बाइंग के लिए हमने जाना है। 1580 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहां पर 1600 और 1620 रुपए होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की बाइंग भी देखिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अल्ट्राटेक की बाइंग हमारी इस लेवल के आसपास है, 4220 के आसपास, 4220 के आसपास हमने यहां पर बाइंग बनाई हुई है और कंटिन्यू स्टॉक हमारा चलते जा रहा है। अभी भी हमारी 25-30% क्वांटिटी इसमें होल्ड है। फाइनली यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी एक छोटा सा यहां पर ब्रेकआउट एक हुआ है। चलिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, लेवल ड्रॉ करके मैं आपको चीजें यहां पर बताऊंगा। देखिए अब एक हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अगर आपको चीजें समझ में आ जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सो मैं चाहता हूं कि वीडियो बड़ी हो जाए, उससे उसमें कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को, आपको चीजें समझ में आ जाए, आप उस चीज से पैसे कमाने लगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। अच्छा मैं इसके बारे में बता रहा था, अल्ट्राटेक। अब यहां पर देखिए अगर इस चैनल का ब्रेकआउट होगा तो अभी देखिए जो है सॉरी एक मिनट, हाँ यहां पर जो क्लोजिंग आई है वो 5591 रुपए के आसपास, 5610 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहां पर बहुत जबरदस्त मूव देखने वाले हैं। इस पर नजर बनाकर रखिएगा, कीप ऑन रडार, ठीक है ना, बहुत अच्छा इसमें मूव मिलने वाली है। अब यहां पर देखिए विप्रो, विप्रो अब एक बार अगेन आपको टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा विप्रो मैंने आप लोगों को कहां पर बाइंग करने के लिए दिया हुआ है। विप्रो मैंने यहां पर बाइंग करने के लिए दिया हुआ है 370 लेवल के आसपास, और मैंने स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है कि 370 के ऊपर निकलता है तो आप यहां पर पोजिशन ट्रेड बना सकते हैं। 370 से देखिए अब वो चीज 430 रुपये चली गई, अब मोर देन अब कितना है ये 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों में आपको समझ लीजिए 25% अगर मूव मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है। तो यहां पर अब अगेन आप यहां पर देखिए अभी पोजीशन मत बनाइएगा, यहां पर पोजीशन वालों के लिए यहां पर अभी होल्ड करना है। पोजीशन देखिए आप कहां पर बना सकते हैं, पोजीशन के लिए मैं आप लोगों को मैं लेवल बता देता हूं। देखिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मिलेगा तब पोजीशन बनाइएगा, मे बी यहां पर मिल जाए 420-421 के आसपास मिले तो पोजीशन बनाइए, अदरवाइज यहां पर पोजीशन बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। देखिए सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है, सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है, तब हमको कोई पोजीशन बनानी होती है, तब हम यहां से पैसे कमाते हैं। अगर हम यहां पर चीजें दिमाग से करेंगे सीख कर करेंगे तो यहां पर हमको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता, बट अगर यहां पर चीजें हम बिना ब्लाइंडली हम यहां पर करेंगे तो हमको पैसा डुबाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए यहां पर अब जो है इंट्राडे प्लेयर्स जो है 432 रुपए के ऊपर यहां पर बना सकते हैं अपनी पोजीशन, इंट्राडे प्लेयर्स, ठीक है, पोजीशन वालों को नहीं कह रहा हूं, 432 रुपए के ऊपर यहां पर जो है अपना बाइंग कर सकते हैं। 436 रुपए और 440 रुपए यहां पर हमारा टारगेट रहने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए कम से कम एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए, इतना कुछ करता हूं, इतना कुछ ढूंढ के लेके आता हूं, इतनी एनालिसिस आपको बताता हूं, कम से कम एक लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।